इतने प्यारे दोनों तोते हैं ये से आप सब ठीक है। तो हम इस सेटअप पे आए हैं, यहाँ से अपने कॉकटेल लेंगे। ये देखिए कितने ज़्यादा लटीनो अल्बिनो सारे ही तोते पड़े हैं इनके पास। तो यहाँ से अपने हम कॉकटेल लेके ना सेटअप पे चलते हैं अपने वाले पे। तो ये देखें यार, ये इन्हें मैं घर लेके आया हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये कितने प्यारे दोनों तोते हैं। ये फुल वाइट है और ये मेल है। अभी इसका कन्फर्म नहीं है कि मेल फीमेल कौन सी है इनमें से, अभी ये कन्फर्म भी नहीं है। और इनको अभी बड़े केज में छोड़ेंगे, वो थोड़ा सा सेट करना है, उसके बाद इनको उसमें छोड़ना है। और ये देखें यार माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं तोते हैं दोनों। और अभी गर्मी की वजह से ना इनके, ये देखें प्यास की वजह से कैसे कर रहे हैं, अभी इन्हें प्यास लग रही है। तो यार शाम हो गई है और ये अभी नई नई जगह पे आई है ना, इसलिए बोल नहीं रहे ज़्यादा। इनका मेल फीमेल कन्फर्म भी नहीं है, ना इनकी एज अभी कन्फर्म है। बाकी इनकी हालत काफ़ी एक्टिव लगे इसलिए ले ली है। तो अभी देखते हैं इनमें से कौन फीमेल है कौन मेल है, पता नहीं है। नहीं है, दोनों फीमेल हैं दोनों मेल हैं, अभी कुछ भी नहीं पता इनके बारे में, ना इनकी अभी एज कन्फर्म है ये भी नहीं पता। तो अभी फ़िलहाल ये डरे डरे से हैं क्योंकि नई नई जगह पे आए हैं ना, तो 3-4 दिन लगेंगे इन्हें सेट होने में। तो यार इस वाले केज के अंदर ना इन्हें शिफ्ट करेंगे बहुत जल्द ना, इसे ना पहले सेट करना है। इसकी थोड़ी सी ऊपर और नीचे से ना ये सेट होगा, इसकी जाली जुली थोड़ी सही होगी, फिर इसे ना इसके अंदर शिफ्ट करेंगे, फिर ये खुले डुले रहेंगे आराम से। ये देखें यार, हमारे सारे जो थे वो पिजन चले गए हैं, अब ये रह गया कि ये जोड़ा रह गया, ये इसकी फीमेल और ये पुराना बच्चा है इसका, ये वाला। ये ना तकरीबन 8-1 मंथ का हो गया है, ये इसके लिए फ़ीमेल लानी है बहुत ज़्यादा। और नए नए पिजन भी आने हैं इसीलिए थोड़े से पिजन थे वो दे दिए। ये देखें फुल ये तैयार है, गुटर गुटर कर रहा है, इसके लिए फ़ीमेल लानी है बहुत जल्द। और नए पिजन भी लेके आने हैं, ये देखें माशाल्लाह इसकी पूंछ कितनी प्यारी है। तो ये सारे पिजन बाहर आ गए हैं अपने, ये देखें ये 3 ही रह गए। इसके लिए ना बहुत जल्द ना फीमेल लेके आनी है कोई, ये फुल तैयार है। ये 8 महीने का हो गया, ये इसका ही बच्चा है, ये डोन का बच्चा है। इसके लिए ना कबूतरी लानी है, ये ना अभी इस फीमेल के पीछे पड़ जाएगा ये। तो ये देखना थोड़ी देर बाद ये भी मस्तियाँ करने लग जाएगा ये वाला। बाकी ये मुझसे ना ज़्यादा डरते नहीं है, ये देखिए कितने कितने पास हैं, हाथ पे नहीं खाते पर डरते भी नहीं है ये मेरे पास ही घूम फिर रहे हैं, डरते नहीं है, ये अच्छी बात है। ये देखें हमने टर्की बर्ड को भी खोल दिया, ये देखें प्रैंक हो गया टर्की बर्ड के साथ। भाई मैंने खाली प्लेट ऐसे की है, मेरे पीछे आ गए, ये देखें कितने कितने छोटे कितने हो गए ये। यहाँ पहली वीडियो देखना जिसमें बिल्कुल निके निके से थे, छोटे छोटे से थे। इन्होंने अपनी चोंचे ज़ख्मी की हुई हैं, ये जालियों में मारते रहते हैं जब भूखे होते हैं। तो ये कुछ गंदे गंदे से भी हो गए, इन्हें नहाएंगे भी। तो अभी ये उनको तंग करने के लिए जा रहे हैं पिजन्स को, वो देखें उसके खाने पर ढाबा बोल दिया इन्होंने। तो इनकी ये खाते हैं नहीं बाजरा, ये फीड खाते हैं अभी तक, इन्हें फीड खवाते हैं क्योंकि ना उसकी आदत ढल गई है इन्हें, बहुत जल्द ना इनकी आदत ख़त्म करानी है वो वाली फीड खाने वाली। ये देखें फीड मैंने पकड़ी कैसे, ये पढ़ने के लिए आ गए, तो ये ना अभी जल्दी से रख दी इन्हें। ये देखें कैसे पागलों की तरह हमारे टर्की बर्ड फीड खा रहे हैं अभी, ये ऐसे प्लेट चाटेंगे कि ना ऐसे लगेगा ही नहीं कि कुछ प्लेट में रखा था, ये सारी फीड ये टर्की बर्ड चाट जाएंगे। अभी कुछ देर बाद ये सारी प्लेट ये साफ़ कर देंगे ऐसे जैसे वाश की हो। तो इन्हें अभी खाने देते हैं हम। बाकी कबूतर हमारे मस्तियाँ करने में लगा हुआ है लक्का। ये देखें यार हमारे टर्की बर्ड्स कितने कितने ज़्यादा ज़्यादा बड़े हो गए हैं, और अभी ये सारी फीड खा जाएंगे ये। इनकी ना यार ये आदत बहुत जल्द ना छुड़वानी है, इनकी फीड ना गर्म बहुत होती है। ये जब छोटे थे तब मैं देता था ताकि अपना वेट वगैरह करें, तो अब ये काफ़ी माशाल्लाह पल गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो अब ना इनकी आदत ही छुड़वानी है ये फीड वाली। यार इसको और उसको ना दोनों को सेट करना है, ये भी काफ़ी बड़ा पिंजरा है हमारे पास, ये काफ़ी बहुत बड़ा है, ज़्यादा पिंजरा है, इसको भी ना सेट करना है। तो इसके अंदर फिर तोते रखेंगे और बाकी चीज़ें भी रख लेंगे, 3 खाने इसमें बड़े बड़े से। बाकी हमारा जो ये वाला केज है ये भी खाली हो गया है, यहाँ से भी चीज़ें चली गई, हमारे खरगोश थे वो भी चले गए हैं, वो दूसरे सेटअप पे, क्योंकि ना यहाँ पे गर्मी बहुत है, जब गर्मी थोड़ी सी कम होगी ना मौसम ठंडा हो जाएगा तो फिर उन्हें वापस ले आएंगे।
अगर आप खरगोशों को ला कर छोड़ेंगे ना यहाँ पे ना, तो वो ना गर्मी की वजह से ना बीमार भी हो सकते हैं। मौसम ठंडा ठंडा होगा थोड़ा थोड़ा, तो मैं ना उन रैबिट्स को वापस ले आऊँगा।